आइए अब आपको लिए चलते हैं एवन टीवी के एक खास कार्यक्रम क से कविता की ओर, जहां आपसे रूबरू होने जा रहे हैं प्रदेश के जाने माने युवा हास्य और व्यंग के कवि शंकर शिखर। झुंझुनू के शेखावटी में जन्मे शंकर शिखर पिछले करीब एक दशक से देश भर के मंचों पर काव्य पाठ कर रहे हैं। रेल यात्रा, बाल विवाह, सैनिक, नेता और बाबा तथा ब्रेकिंग न्यूज शीर्षकों वाली इनकी रचनाएं काव्य प्रेमियों द्वारा खूब सराही गई है। शंकर शिखर की गणना उन कवियों में से होती है जो शरद जोशी और केपी सक्सेना की व्यंग परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। शंकर शिखर ने डॉक्टर हरिओम पवार, डॉक्टर कुमार विश्वास, शैलेश लोढ़ा, अरुण जैमिनी और सुरेंद्र शर्मा सरही के काव्य जगत के हस्ताक्षरों के साथ मंच साझा कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी लिखी दो पुस्तकों मुकत्तक माला और मंच हुए मालामाल ने साहित्य जगत में पहचान कायम की है। एक अन्य पुस्तक ये हुई ना बात शीघ्र ही प्रकाशित होने जा रही है। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए कवि शंकर शिखर की हास्य और व्यंग से भरी रचनाओं का। भारत के महत्वपूर्ण चैनलों में से एक एवन टीवी के तमाम दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। कवि शंकर शिखर जयपुर से आप लोगों का आभारी हूं कि एवन टीवी पे मुझे आप सुनने जा रहे हैं। मेरी विधा के मैं परिचय देता हूं और उसके बाद एक आध हास्य की व्यंग की जो रचनाएं हैं वो आपको उनसे मुखातिब कराऊंगा। कि सहज सौम्य सुशील और गुणवान, मेरा परिचय है कि सहज सौम्य सुशील और गुणवान केवल कवि नहीं साथ में एक बढ़िया इंसान, धरती अंबर चांद तारे और रवि इन सब में हो जिसकी शानदार छवि, ऐसा कमाल का हास्य कवि शंकर शिखर मैं ही हूं। ताली बजाओ। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और जापान, इराक, ईरान, सीरिया और भूटान और पाकिस्तान, इन तमाम देशों में आपके इस लाडले कवि के हर साल चर्चे होते हैं। लोग आपस में बात करते हैं कि यार भारत से इतने कवि आ गए, ये क्यों नहीं आता। अब मैं तो जयपुर में निवास करता हूं, मूलतः शेखावाटी का रहने वाला हूं, तो रास्ते में गांव जाते आते समय कुछ घटनाएं ऐसी घट जाती हैं, मैं आप लोगों को वो घटना सुनाता हूं। जयपुर के पास एक कस्बा है चोमू। अब चोमू के बारे में बहुत लोग जानते हैं जी, तो मैं बस में जा रहा तो वो एक घटना घटी, मैं आपको उससे जोड़ता हूं कि बस में यात्रा करता हुआ मैं चोमू स्टैंड पर आया, तो कानों में आवाज पड़ी, बाबूजी 10 की 2 ले लो, चोमू के बेर लाया। मैं अनसुनी कर गया तो अगली सीट पर आया और 10 की थैली 5 में दे गया। सोची कि ये डोगरा तो काने बोरों में टल गया, डोगरा और भी चतुर, बोले यार 2 अठन्नी चिपका हुआ सिक्का 5 में चल गया। तो साहब एक होशियार दूसरा डेढ़ होशियार, दोनों की चतुराई है, और सीकर बदलो चाहे जयपुर, पर ये चोमू तो वाकी भाई है। मैं टीवी के कार्यक्रम में हूं, एवन जैसे महत्वपूर्ण चैनल के कार्यक्रम में हूं, तो कुछ चीजें मैं जो मैं मंचों पर पढ़ता हूं वो लेके आया हूं। मैं हास्य व्यंग का कवि हूं, तो मैं जिस दृष्टि से देखता हूं मुझे हर कहीं हास्य व्यंग नजर आता है। मैंने मंच के ऊपर ये पढ़े हैं, मैं आज के आपके सामने ये मंचों पर ये प्रयोग मैंने किया कि जैसे टीवी पर खबर चल रही है, आप देखिए कि ऊपर एक खबर चल रही है, अचानक नीचे ब्रेकिंग न्यूज आती है, ऊपर की खबर को ब्रेकिंग न्यूज से जोड़ो, आपको आनंद आएगा। समस्या, विद्रूपता और जो घटनाएं देश में घट रही है उनको लेकर मैं आपको व्यंग सुनाता हूं कि ऊपर खबर जा रही थी, टीवी में ऊपर खबर थी कि बम की अफवाह फैलाने वाला बालक गिरफ्तार, और नीचे खबर थी बाल दिवस पर होंगे इस बार अनेक कार्यक्रम। ऊपर की खबर थी दुनिया चली अध्यात्म की राह, और नीचे अचानक खबर आई मंदिर से अष्ट धातु की मूर्ति चोरी। ऊपर की खबर थी बीपीएल को मिलेगी मुफ्त चिकित्सा, और नीचे खबर जारी थी इलाज के अभाव में गरीब ने दम तोड़ा। ऊपर की खबर थी प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, और नीचे खबर जारी थी महिला सशक्तिकरण दिवस आज। ऊपर खबर चल रही थी पुलिस पैदा कर रही है आमजन में विश्वास, और नीचे की खबर थी फर्जी इंस्पेक्टर बन राहगीर को लूटा। ऊपर खबर थी निर्माणाधीन पुल गिरने से 10 की मौत, और अचानक एक विज्ञापन आया सीमेंट जंगरोधक ना हो तो जानलेवा हो सकता है। ऊपर खबर थी फ्लाइट में एयर होस्टेस से छेड़छाड़,
और नीचे ब्रेकिंग आई, मुख्यमंत्री जी एयरपोर्ट से रवाना, और ऊपर की खबर थी दुष्कर्म के मामले में 10 लाख देकर समझौता, और ये व्यंग आप पकड़ें, ऊपर खबर थी दुष्कर्म के मामले में 10 लाख देकर समझौता, और नीचे खबर थी विज्ञापन जा रहा था दाग लगने से कुछ अच्छा होता हो तो दाग अच्छे। ऊपर खबर थी जननी सुरक्षा योजना पर लाखों खर्च, नीचे की खबर थी लापरवाही ने ली 2 प्रसूताओं की जान, और इस कड़ी का आखिरी व्यंग कि ऊपर की खबर चल रही थी जॉर्ज बुश पर पत्रकार ने जूता फेंका, और नीचे विज्ञापन आया रेड चीफ है तो लेदर ही होगा। ये हास्य व्यंग की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। मैं एक कविता से आपको जोड़ता हूं, एक नया विषय है जो भारत में शायद पहली बार इस पर कविता लिखी गई है कि एक बदमाश का पुलिस वाली लड़की से शादी होना, और एक एक व्यंग पे आपका मैं समर्थन चाहता हूं सभी श्रोताओं का दर्शकों का। कविता यूं है कि किसी ने कहा जिंदगी बन गई, किसी ने कहा जिंदगी बन गई, किसी ने कहा बर्बादी कर ली, किसी ने कहा जिंदगी बन गई, किसी ने कहा बर्बादी कर ली, शहर के मशहूर गुंडे ने पुलिस वाली से शादी कर ली। दोनों ही दबंग थे, दोनों ही दबंग थे, चवन्नी ठीक चल गई, पुलिस को आराम मिल गया, बदमाशों की आफत टल गई। दोनों ही दबंग थे, चवन्नी ठीक चल गई, पुलिस को आराम मिल गया, बदमाशों की आफत टल गई। तो सबने ये अचंभा किया कि ऐसा संभव कैसे हुआ, तो उसके ऊपर ये है कि ना तो इश्क परवान चढ़ा न बेचारी घर से भगी थी, ना तो इश्क परवान चढ़ा न बेचारी घर से भगी थी, छोरा किस्मत वाला था नौकरी सगाई के बाद लगी थी, छोरा किस्मत वाला था नौकरी सगाई के बाद लगी थी, तो जानबूझ कुएं में कूदी छोरी क्या फौलाद थी, जानबूझ कुएं में कूदी छोरी क्या फौलाद थी, और 2 कोड़ी का मंगेतर पर नेता की औलाद थी, 2 कोड़ी का मंगेतर पर नेता की औलाद थी, तो गठ जोड़े में खादी खाकी एक नया रिश्ता तय होता है, गठ जोड़े में खादी खाकी बारात बड़ी रंगीन मिली, और देशी कट्टों के स्वागत में सब सरकारी संगीन मिली, देशी कट्टों के स्वागत में सब सरकारी संगीन मिली। तो कुछ घंटे की मोहलत ने समधी को दे दी गारंटी, भाई रिश्तेदारी तय होगी तो संबंध निभाना पड़ता है, कुछ घंटे की मोहलत ने समधी को दे दी गारंटी, और उचक उचक कर घूम रहे थे जिला बदर और वारंटी, तो महकमे की नजरों में तो रिश्ता ही बकवास था, महकमे की नजरों में तो रिश्ता ही बकवास था, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये पक्का विश्वास था, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये पक्का विश्वास था, महकमे की नजरों में तो रिश्ता ही बकवास था, ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये पक्का विश्वास था, तो थाने को ससुराल समझ ली अब बैरिक में ही सोते थे, थाने को ससुराल समझ ली अब बैरिक में ही सोते थे, भूल गए दिन कंवर साहब जब यहीं बैठकर रोते थे, बाल पकड़ कुर्सी से खींचा बावर्दी असली रूप में आ गया, बाल पकड़ कुर्सी से खींचा बावर्दी उसको घसीट दिया, वहम मिटा पत्नी का उस दिन जब ड्यूटी पर उसने पीट दिया, वहम मिटा पत्नी का उस दिन जब ड्यूटी पर उसने पीट दिया, ऊपर तक ये बात गई, ऊपर तक ये बात गई, छोरी की ऐसी धूल हुई, कान पकड़ साजन का बोली लगता है कि भूल हुई, तो अशकों के सागर ने गीला, अशकों के सागर ने गीला आज गुलाबी गाल किया, बेहुदे बालम पर टूटी कूट कूट कर लाल किया, तो वर्षगांठ से पहले खुल गई, वर्षगांठ से पहले खुल गई बेमेल विवाह की डोर, और पल भर में ही सिमट गया उस गठ जोड़े का छोर, सुनकर शोर 2 घरों में। व्यंग की पंक्ति आपको सौंपता हूं और कविता का शीर्षक जो आखिरी लाइन में है कि सुनकर शोर 2 घरों में अफसोस भारी हो गया, मामला जो दीवानी था अब फौजदारी हो गया, मामला जो दीवानी था अब फौजदारी हो गया। तो मैं सभी दर्शकों से जाते जाते केवल 4 लाइनें 4 पंक्तियां, मैं आज़ादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है और 15 अगस्त आने वाला है, मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात खत्म करता हूँ। 4 पंक्तियाँ यूँ है कि किसी ने हरा चमन मांग लिया, किसी ने गोरा बदन मांग लिया, किसी ने हरा चमन मांग लिया, किसी ने गोरा बदन मांग लिया, और सरहद पर सीमा, सरहद पर सैनिक ने मरते दम प्राण फूंक कर वतन मांग लिया, प्राण फूंक कर वतन मांग लिया, प्राण फूंक कर वतन मांग लिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।
रंग रंगीला राजस्थान में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे प्रदेश की लोक कला और संस्कृति से जुड़ी राजस्थान की रंग रंगीली खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।